टोनी स्टार्क अपनी पहली मूवी से लेकर अब तक 85 आर्मर्स बना चुके हैं। इसी आर्मर्स की जर्नी एक केव में शुरू हुई थी, तो मैं इस वीडियो में टोनी स्टार्क के केव से लेकर कॉस्मोस तक के सभी 10 पावरफुल आर्मर्स की बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मार्क 1। तो ये आयरन मैन का सबसे पहला आर्मर है जिसे उसने सबसे बुरे वक्त में लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाया था। ये आर्मर बाकी आर्मर की तरह एडवांस तो नहीं है, पर उस वक्त की टेक्नोलॉजी में यह सबसे कम रिसोर्सेज से बनने वाला बेस्ट इन्वेंशन था। इसी आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन मार्क 2 हमें आयरन मैन 1 में ही देखने मिला था। भले ही ये आर्मर बाकी आर्मर की तरह एडवांस नहीं है, पर यह टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट वेपन था, जिसके बाद टोनी स्टार्क को दुनिया बचाने की इंस्पिरेशन मिली। नंबर 9, मार्क 3। मार्क 3 आर्मर मार्क 2 से ज्यादा फास्ट हाईटेक वेपन से कंप्लीट था। ये आयरन मैन का तीसरा आर्मर था जो रेड और गोल्ड कलर की स्किन में बनाया था, और इसी आर्मर में टोनी स्टार्क ने मार्क 2 आर्मर की आइसिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। आयरन मैन कैरेक्टर की रेड और गोल्ड स्किन, रेपल्सिव टेक्नोलॉजी और आयरन मैन का आइकॉनिक मास्क मार्क 3 आर्मर की देन है। नंबर 8, मार्क 5। 2010 में आयरन मैन 2 में हमें मार्क 5 देखने मिला। टोनी स्टार्क ने इस सूट को इस तरह से डिजाइन किया था कि जिससे सूट स्मॉल साइज में कन्वर्ट होकर एक ब्रीफकेस में कैरी हो सके। इस आर्मर में बाकी आर्मर्स की तरह एडवांस वेपन सिस्टम तो नहीं है, पर इस आर्मर ने फैंस को ये बताया कि टोनी स्टार्क के आर्मर्स सिर्फ असेंबली सेक्शंस के लिए नहीं बने। नंबर 7, मार्क 40। तो आयरन मैन के आर्मर्स अपनी हाईटेक और बेस्ट वेपन सिस्टम्स के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली रेपल्सर रेस। मार्क 40 यानी कि शॉटगन आर्मर अपनी रेपल्सर रेस की रैपिड फायर के लिए जाना जाता है, जो बाकी आर्मर्स में हमें नहीं देखने मिली। शॉटगन आर्मर क्विक रिस्पॉन्स के लिए बेस्ट आर्मर है। ये आर्मर हमें आयरन मैन 3 की फाइनल बैटल में देखने मिला था। नंबर 6, मार्क 7। ये सूट हमें दी एवेंजर्स में देखने मिला था। स्पेशली ये सूट हैवी कॉम्बैट के लिए बनाया गया था और एडवांस वेपन से भरा हुआ था। इस आर्मर में एक यूनिक फीचर था जो पूरे सूट को एक पॉड जैसे आकार में शामिल कर लेता, और जब ये आर्मर खुलता तो इसके मैकेनिकल आर्म्स टोनी स्टार्क के आर्म से लिपट जाते। नंबर 5, मार्क 42। ये आर्मर हमें आयरन मैन 3 में देखने मिला था। ये आयरन मैन ट्रियोलॉजी का सबसे बेस्ट एडवांस आर्मर था। सूट के पार्ट्स में खुद के जेट्स लगे हुए थे जो टोनी स्टार्क के फोरआर्म में डाली हुई चिप से कनेक्टेड थे, और उस चिप के कंट्रोल से ये आर्मर किसी भी पर्सन की बॉडी पे असेंबल हो सकते थे। इसी आर्मर ने टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स को टोनी स्टार्क के मैंसन में हुए अटैक से बचाया। ये आर्मर हमें आयरन मैन 3 की पूरी मूवी में देखने मिला, पर फाइनल बैटल के दौरान ये आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 4, वॉर मशीन। वॉर मशीन आयरन मैन का ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। एक्चुअल में ये आर्मर मार्क 2 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसे जेम्स रोड ने टोनी स्टार्क से ले लिया था, और बाद में जस्टिन हैमर ने इसमें एडिशनल हैवी वेपन्स लगा दिए थे। ये आर्मर उसके पावरफुल वेपन्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली इसके शोल्डर्स पर लगे हुए वेपन्स। सिविल वॉर से लेकर एंड गेम तक इस आर्मर ने अपना पावरफुल परफॉर्मेंस दिया। तो नंबर 3 पे है हल्कबस्टर। हल्क मार्वल का अनस्टॉपेबल फोर्स है, और इससे फेस टू फेस होने के लिए टोनी स्टार्क ने हल्क बस्टर बनाया था जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। ये टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे पावरफुल आर्मर था जिसने हल्क को धूल चटा दी थी। ये आर्मर अपने डैमेज पार्ट्स को बैटल टाइम पे ही रिप्लेस कर सकता था, और इसी आर्मर ने सिटी को हल्क के कहर से बचाया, और इसी आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखा दिया। तो नंबर 2 पे है आयरन मैन का लीजेंडरी सूट मार्क 50। ये टोनी स्टार्क का पहला सूट था जिसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज किया गया था। ये नैनो पार्टिकल्स टोनी स्टार्क के सीने में लगे हुए आर्क रिएक्टर में स्टोर रहते थे। इस आर्मर की खास बात ये थी कि ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से सूट को रिबिल्ड, रीशेप और रीडिजाइन कर सकता था, और इसी एबिलिटी से टोनी स्टार्क इस आर्मर में बहुत सारे वेपन्स फॉर्म कर सकता था। ये आर्मर इतना स्ट्रांग था कि इसने पावर स्टोन और स्पेस स्टोन के अटैक तक को झेल लिया था।
नंबर वन पे है मार्क 85। ये टोनी स्टार्क की एमसीयू जर्नी का फाइनल आर्मर है। ये आर्मर मार्क 50 आर्मर की तुलना में थैनोस के अटैक को बेहतर तरीके से झेल सकता था। आर्मर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में अपने फॉर्म को रिकवर कर सकता था। इस आर्मर को टोनी ने इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया था। ये आर्मर इतना पावरफुल था कि इसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और टोनी स्टार्क को स्नैप करने का समय दिया था। हालांकि इसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई थी कि इसने नैनो पार्टिकल्स और प्लाज्मा चैनल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। स्नैप की वजह से टोनी स्टार्क ने थैनोस और उसकी आर्मी को तो हरा दिया, पर अफसोस यह है कि टोनी स्टार्क भी इस शूट में मारा गया।